अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामिक 3 ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है कुरान प्रो। तो जैसे ही आप कुरान प्रो लिख कर सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऐप आ जाएगा। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसे ओपन करके आपको आगे का इंटरफेस समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप इसमें अकाउंट भी लॉग इन कर सकते हैं और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने इस क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऐप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो इस ऐप का पहला मेन और जबरदस्त फीचर है वो ये है, आप इस ऐप के अंदर किसी भी कारी किसी भी इमाम की तिलावत को सुन सकते हैं। पूरे कुरान पाक को आप सुन सकते हैं। ये देखें आपको हर तरह के उलमा हर तरह के कारी यहाँ पर नजर आ जाते हैं। आप जिस भी इमाम की तिलावत को सुनना चाहते हैं जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुकम्मल लिस्ट आ जाती है। इसके बाद जस्ट आपने इसको प्ले करना है और आपकी तिलावत प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिलावत प्ले हो चुकी है। इस तरह आप इस ऐप के अंदर किसी भी इमाम की तिलावत को बड़ी आसानी के साथ सुन सकते हैं। यहाँ पर ऑटो स्लाइड भी होती रहेगी, रिटर्न भी आती रहेगी और आपकी ऑडियो भी चलती रहेगी। इसके अलावा आपको इस ऐप में वीडियो में भी तिलावत मिल जाती है। जैसा भी आयत का मौजू होगा उसी हिसाब से इसके बैकग्राउंड पर इमेजेस आएंगी और आपको सुनने में बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। इसके बाद अगर आप खुद कुरान पाक की तिलावत करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरह के कुरान पाक मिल जाते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, अरेबिक में, तुर्किश में, जैसा भी आप चाहते हैं, जिस भी कंट्री का आप चाहते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह के मिल जाते हैं। जिसको भी आप ओपन करेंगे वो उसी डिजाइन में आपके सामने आ जाएगा। उसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो कुरान प्रो एक बेहतरीन और जबरदस्त इस्लामिक ऐप है। इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें और इससे भरपूर फायदा हासिल करें। तो दूसरे नंबर पर जो ऐप है ये भी एक बेस्ट इस्लामिक ऐप है। ये भी आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा, इससे भी आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐप कौन सा है। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है अजान। तो जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके आइकन को अच्छी तरह देख लें। आपने इसको इंस्टॉल करना है। फाइनली दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसे ओपन करके आपको आगे का इंटरफेस समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस ऐप के अंदर आपको डेली आयात मिल जाती हैं, नमाजों के टाइम मिल जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत मिल जाती है रिटर्न में, ऑडियो में, जैसे आप चाहते हैं। इसके बाद आपको दुआएं मिल जाती हैं। हर तरह के मौके के लिए दुआएं और अज़कार मौजूद हैं। जब भी आपके पास फारिग वक्त हो इस ऐप को आपको लाजमी रीड करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं किबला डायरेक्शन, यहाँ से आप किबले की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक गैलरी, उमरा और हज के बारे में गाइड मिल जाती है, किबला डायरेक्शन। और इसी तरह इस ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। अजान ऐप एक कंप्लीट मुस्लिम ऐप है। ये आपके मोबाइल में लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इससे भरपूर फायदा हासिल करें। जिस ऐप के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ इस ऐप को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे बेस्ट इस्लामिक ऐप है। हर मुसलमान के मोबाइल में इस ऐप का होना लाजमी है। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐप कौन सा है। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है इस्लाम 360। तो जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त इस्लामिक ऐप है। तो फाइनली दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल चुका है। तो अब मैं इसे ओपन करके आपको आगे का इंटरफेस समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको हर तरह का कुरान मिल जाता है, हर तरह की लैंग्वेज में, हर तरह के डिजाइन में, हर तरह के फॉन्ट में, जैसा आप चाहते हैं हर तरह का मिल जाता है। आपको हर तरह की अहदीस की मुकम्मल बुक्स मिल जाती है, उर्दू तर्जमे के साथ, इंग्लिश ट्रांजेक्शन के साथ, अरेबिक में रेफरेंस के साथ, वो ज़ईफ़ है या सही, तमाम तर हवालों के साथ आपको तमाम तर किताबें यहाँ पर मिल जाती है। और आप अपने किसी भी
टॉपिक को, किसी भी मौजू को इस ऐप के अंदर सर्च करना इंतहाई आसान है। आप इंग्लिश में सर्च करें, अरेबिक में सर्च करें, उर्दू में सर्च करें, अपनी किसी भी जबान में आप इस ऐप में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नमाज का मुकम्मल तरीका मिल जाता है, रोजों के तमाम मसाइल मिल जाते हैं, हज और उमरा की गाइड मिल जाती है, नमाज जनाजा के बारे में आपको मुकम्मल चीजें मिल जाती हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन में बेशुमार दुआएं मिल जाती हैं। हर तरह के मौजू के लिए यहाँ पर दुआएं मौजूद हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इनसे भरपूर फायदा ले सकते हैं। तो इस्लाम 360 एक बहुत ही जबरदस्त ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इससे भरपूर फायदा हासिल करें। तो ये थे इस्लामिक 3 ऐप्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।